ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सात शनिवार का बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय आपको सात शनिवार करना है। सात शनिवार यह उपाय करने से हर व्याधा हर परेशानी का निवारण होगा। चाहे आपके ऊपर शनि साढ़े साथी हो या ढैया का अशुभ प्रभाव, सारे अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। छोटा सा उपाय और आपकी हर समस्या का समाधान। दोस्तों, शनि हमेशा कर्मों का फल देते हैं। भगवान शनि की जिसके ऊपर भी शुभ दृष्टि हो उसको राजा बना देते हैं, और जिसके ऊपर अशुभ दृष्टि हो उसे जो रंग बना देते हैं। शनिदेव के नाम से ही लोग डरते हैं, लेकिन शनिदेव के नाम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शनिदेव हमेशा कर्मों का फल देते हैं। भगवान शिव ने उनको कर्म फलदाता की पदवी दी है। शनि अमावस्या के बाद 12 दिन अगर ये उपाय करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शनिचरी जिस दिन अमावस्या हो उस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी ये उपाय करें। बाकी लगातार शुक्ल पक्ष के शनिवार से या कृष्ण पक्ष के शनिवार से जब भी आपकी इच्छा हो यह उपाय शुरू कर सकते हैं। इस उपाय के करने से हर प्रकार की परेशानियां दूर होंगी, घर की हालात सुधरेंगे, नौकरी बिजनेस व्यापारिक क्षेत्र हर प्रकार के क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव की शुभ दृष्टि प्रदान होगी और शनिदेव की शुभ दृष्टि आपके प्रत्येक कार्य में सहयोग देगी। आपके ऊपर ग्रहण की कितनी भी अशुभ दृष्टि हो, लेकिन शनिदेव की अगर शुभ दृष्टि है तो आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगी। यह उपाय आपको लगातार सात शनिवार करना है। शनिवार का उपाय करते हुए पांच कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। पुत्र, धन, नौकरी, व्यवसाय, शादी और शिक्षा, इन सभी में जो है शनिदेव आपका सहयोग करेंगे। नीलाजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। भगवान शनिदेव लोहे का व्यापार, हीन व्रति के कार्य, अत्यधिक श्रम, पति पत्नी में अनमन, गुप्त रोग, हीन जाति के लोगों आपसी प्रेम भाव आदि के मालिक होते हैं। जब शनिदेव शुभ स्थिति में हो तो इंसान को हर प्रकार का लाभ दिलाते हैं। भगवान सूर्यदेव का सुबह स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल अर्पण करके और यह उपाय आपको करना है। उपाय करते समय ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः या भगभगाय विद्महे मृत्यु उपाय धीमे तन्नो शनि प्रचोदयात, इन मंत्रों का जाप करते रहें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जहाँ तक की जन्म राशि से 3, 6 और 11वें स्थान में शनि हो तब उसे शुभ समझना चाहिए। तो उसका फल नवीन उद्योग, मनोरथ सिद्ध तथा मान सम्मान देने वाला होता है। जब जातक की जन्म राशि से शनि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 12वें स्थान में होते हैं तब अशुभ फल प्रदान करते हैं। उस अवस्था में लोगों से विरोध, द्रव्य और जीविका के साधन की हानि, इष्ट बंधु जनों से विद्रोह, कार्य में रुकावट और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि ग्रह से पीड़ित जनों को यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय के करने से हर प्रकार की परेशानियों का नाश होता है। लोहे, जस्ते तथा नीले कागज पर श्री यंत्र भी स्थापित करके धारण कर सकते हैं। घर में भी मूर्ति स्थान पर दीप प्रतिष्ठा मूर्ति की भांति रखा जा सकता है, किंतु पूजा समाप्त हो जाने के उपरांत इसे किसी जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। अब मैं आपको उपाय बताता हूं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। उपाय के लिए आपको कुछ ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामान आप लिख करके रख लें। सरसों का तेल 1 पाव,
काले उड़द, काले तिल, काला कपड़ा, लोहे की दो कीलें, शीशा, छाया पात्र के लिए कटोरी और दीपक, मोली, एक काजल की डिब्बी, ये सामान सारा आपको एकत्र करना है। और काले तिल और गुड़, इनको मिक्स करके आपको लड्डू बनाने हैं साथ। अब आपको शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जा करके सबसे पहले शनिदेव भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करके ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनेश्चराय नमः इस मंत्र का, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे कष्टों का निवारण करें। कष्ट निवारण के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं, ऐसा शनिदेव से आपको बोलना है। उसके बाद में शनिदेव को जल से स्नान नहीं कराना है, ये ध्यान रखें, शनिदेव को कभी भी जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। शनिदेव को सरसों के तिल से अभिषेक करना है और मंत्र बोलते जाना है, ओम भगभवाय विद्महि मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामाटनतम भूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस शनि मंत्र का आप जो है जाप करते हुए सबसे पहले तेल का अभिषेक करें, उसके बाद में भगवान को वस्त्र अर्पण कर दें काला, उसके बाद में शनि देव को मोली बांधें और टीका लगाएं, काजल का, काजल का टीका लगा करके उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा टीका आप अपने लगा लें। उसके बाद में शनि देव को आपको उड़द अर्पण करने हैं, अगर माला साथ मिलाए तो माला भी पहना दें। उसके बाद में शनि देव को लोहे की केले अर्पण करें। उसके बाद में आप अपना चेहरा देख करके साइड में वहीं पर शीशा रख दें। उसके बाद में आपको शनि देव की आरती करनी है, शनि देव की पूरी आरती करनी है। आरती के बाद में क्षमा याचना करते हुए शनि देव को जो आप लड्डू बना करके लाए हैं वह लड्डू शनि देव को अर्पण कर दें, काले तिल और गुड़ के। शनि देव को वह अर्पण करने के बाद में आप शनि देव से विनती करें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और उसके बाद में आप भगवान शिव जी या किसी की पूजा करके आप घर वापस आ जाएं। यह उपाय आपको लगातार 7 शनिवार करना है। एक नारियल लें, उस नारियल पर काली बिंदी लगाएं, अपने हाथ से बहते हुए दरिया में प्रवाहित कर दें शनिवार को। तो ये उपाय कर दें, साधारण उपाय, इन उपायों को करने से हर परेशानी का निवारण होगा। जय शनि।